प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार तूने हमें मौका दिया प्रभु जी, तेरे चरणों में आकर तेरी आराधना तेरी महिमा तेरी स्तुति हम करने पाए। हालेलुया, जिसके लिए तू योग्य है, जिसके लिए तू प्रभु जी लायक है। हालेलुया, आज नया दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तेरे चरणों में हमारे प्राण को आत्मा को शरीर को हम समर्पण करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु तो शांति दाता है, हालेलुया, शांति का परमेश्वर है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे ही नहीं, मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। इस जगत में प्रभु जी हमें संकट है, लेकिन प्रभु तेरा वचन हमें कृपा देता है, तेरा वचन हमें वो शांति देता है प्रभु, खुशी देता है, आनंद देता है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शांत रहते हो।
धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया सर्वशक्तिमान प्रभु जी, तुझे आदर और सारी महिमा तुझे हम देते हैं प्रभु जी, स्तुति और प्रशंसा प्रभु आपकी है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा वो का राजा, सारी सृष्टि का मालिक प्रभु जी तू ही है, अल्फा तथा ओमेगा प्रभु जी तू ही है, सत्य है, मार्ग है, जीवन है प्रभु जी, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु जी आपको दिया गया, हम तेरी स्तुति करते हैं।
मौका दे। तू है पानी जो था और है जो आने वाला है, तेरे ही नाम की गाते हैं सूफी मिल कर सारे स्वर्ग में। मौका दे तू है पानी जो था और है जो आने वाला है, आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत पापी से गाऊंगा। यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:13 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हीं के लिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर ने हमें अपने संतान बनाए हैं, उसने हमें बेटे और बेटियां बनाए हैं, इसलिए जो कुछ उसका है वो हमारा है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सारी आशीषें मसीह यीशु में उसने हमें दे दी है। उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसके महान गुणों को हम गाए, सारी आशीषों के लिए प्रभु के लिए हम गाए हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे हैं,
सब कुछ हमारा है, जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 Hallelujah 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 यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीष हमें आशीषित किया है। हमको पिता ने उसके साथ वारिस बनाए हैं। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 Hallelujah 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 Hallelujah। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। शोगुना प्रतिफल यहाँ पर और स्वर्ग में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। हालेलुया। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। सो गुना प्रतिफल यहाँ पर स्वर्ग में अनंत जीवन है। सो गुना प्रतिफल यहाँ पर स्वर्ग में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 Hallelujah 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 milkar gaaye Hallelujah 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 Hallelujah। hum to khuda ke bete hain, हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो
जो कुछ है दिखता वो है पिता का वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का वो सृजनहारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 Hallelujah 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 Hallelujah। कितना अच्छा कितना महान परमेश्वर मसीह यीशु में हमें उसके साथ जोड़ा है, उसके साथ हमें वारिस बनाया है। इसलिए जो कुछ पिता का है वो हमारा है, पुत्र हमारा है, पुत्र का जो है वो हमारा है। हालेलुया धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें। उसने हमें सारी आशीष से आशीषित किया है, कुछ भी बाकी ना रख छोड़ा है, अपने एक एकमात्र पुत्र को हमें दे दिया है, उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया धन्यवाद, उसकी आराधना हो, उसकी स्तुति हो लॉर्ड। हालेलुया महिमा हो प्रभु। हालेलुया पिता हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, तूने हमें सब कुछ दिया है, तेरे ही द्वारा तूने हमें सारी आशीषें दी है। हालेलुया जो कुछ है तूने दिया उसी के बदले में क्या मैं दूं। जो कुछ है तूने किया उसी के बदले में क्या कहूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। ये जीवन प्रभु तेरा दिया हुआ है, जो कुछ है मेरा प्रभु शब्द ने दिया है, इसलिए प्रभु धन्यवाद के कटोरा को मैं प्रभु तेरे आगे चढ़ाता हूँ। स्तुति के योग्य है। हालेलुया जीवन है तेरा लिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद।
आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद सारी आशीषें प्रभु तुझ में हमने पाई है बीन मांगे तो प्रभु तूने सब कुछ हमें दिया है धन्यवाद तो प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड हालेलुया आशीष तुझसे है मेरी बीन मांगे तूने सब कुछ दिया आशीष तुझसे है मेरी बिन मांगे तूने सब कुछ दिया धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ धन्यवाद उठा के मैं ये कहूँ पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया उसी के द्वारा प्रभु उसी में हमें सब कुछ दिया सारी आशीष चाहे वो हमारे जीवन की जरूरी चीजें हो आत्मिक आशीष हो भौतिक हो शारीरिक हो पारिवारिक हो सारी आशीष ने बस यीशु में तूने हमें दे दिया तन में चंगाई आत्मा की चंगाई प्रभु तूने हमें दी है तूने हमें भरपूर किया है हालेलुया ओ धन्यवाद हो प्रभु सारी आशीष के लिए प्रभु तेरे पवित्र लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिसने तूने बुलाया प्रभु तूने चुन लिए अपनी महिमा के लिए हालेलुया मसीह तू हमारी महिमा की आशा है हालेलुया तू ही जीवन है तू ही सब कुछ है प्रभु हालेलुया सारी बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं बस यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम आमीन मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे लोग पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले आज हम मनन करने जा रहे हैं दूसरा तिमोथी उसकी पत्री उसकी पहला अध्याय 12वीं आयत और भी कुछ वचनों को पढ़ेंगे आज हम मनन करेंगे 2 तिमोथी 1:12 इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है प्रेरित पौलुस अपने चेले तिमोथियुस को इस पत्री में एक खास बातों को बता रहा है कि वो विश्वास किया है उसने जो यीशु मसीह को विश्वास किया है और कह रहे हैं जिसकी मैंने प्रतीति की विश्वास किया है उसको मैं जानता हूँ जानते हैं जिसको उसने विश्वास किया उसको अच्छी तरह वो जानता है और कहता है मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है तो इसलिए बोलते इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं तो आज इस वचनों से हम सीखना चाहते हैं हम कैसे हम परमेश्वर को ऊपर विश्वास करना चाहिए
उस विश्वास के कारण हमारा अंदर कैसे एक निश्चय होना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसके लिए हम कैसे भी दुखों को भी उठाने के लिए हिम्मत आ सकता है। जिस परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, जिसको हम विश्वास कर रहे हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारा में एक निश्चय होना चाहिए, वो मेरा रखवाला है, वो हमें लज्जित होने नहीं देंगे, ज़रूर हमें बचाएंगे और आखिरी तक बचाएंगे। उस दिन तक लिख रहा है, उस दिन तक मतलब उनके लिए जो दौड़ पूरी होने वाला है, उस दिन तक प्रभु उसको रखवाली करेगा करके उसके अंदर एक निश्चय था। आज मसीह में मेरे भाई बहन, आप लोग समझना चाहिए, आप परमेश्वर के लिए कभी लज्जित न हो जाएं, कभी भी प्रभु के बारे में प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए डरे नहीं, लज्जित न हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसा एक धरोहर, ऐसे एक मीरास दिया है, ऐसे एक धन संपत्ति दिया है, उसको आप समझ लेंगे, उसके लिए आप कुछ भी दुख उठाने के लिए हिम्मत आपको आ जाएगा। परमेश्वर हमें दिया हुआ उस धन संपत्ति, उस विश्वास, उस मीरास, वो डिपॉजिट, कोई ट्रांसलेशन में ताती लिखा है डिपॉजिट, मतलब परमेश्वर हमारा अंदर कुछ चीज़ डिपॉजिट किया है। कुछ ट्रांसलेशन में धरोहर लिखा है, धरोहर मतलब हेरिटेज, हेरिटेज मतलब हमको परमेश्वर पहले से, हमारा पूर्वजों से चलते चलते हमारा पास आज पहुंच गया। जैसे कुछ ज़मीन होते हैं, कुछ हमारा फोर फादर्स की प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ चीज़ नेशनल हेरिटेज कहते हैं, नेशनल के लिए पहले से बहुत पहले से लोगों ने उसको प्रिजर्व करके रखे हैं। आज परमेश्वर आपके लिए जो धरोहर है, आपके लिए जो डिपॉजिट है, ताती कहते हैं, उसको परमेश्वर प्रिजर्व करेंगे। तो ये विश्वास के साथ आपको एक निश्चय आएगा, उसके कारण आप कभी लज्जित नहीं होने पाएंगे। तो आज आप समझ लीजिए, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, वो विश्वास योग्य है, वो सामर्थ्य है और वो रखवाला है, उस दिन तक रखवाला है, आखिरी तक वो आपको बचाएंगे, छुड़ाएंगे। तो इसके कारण आप हिम्मत से रह सकते हो। तो इसके पहले वचनों से आप पढ़ेंगे तो दूसरा तीमुथियुस 5:7-8 आयत में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये परमेश्वर ने हमें दिया है, ऐसे पवित्र आत्मा दिया है, जिस आत्मा हमारे अंदर रहने के कारण हमें हिम्मत मिलती है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर संयम है, हम चीज़ों को, हमारे इमोशंस कहते हैं, जो हमारा फीलिंग्स है, उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपना वश में कर सकते हैं। तो लज्जित होने के लिए ज़रूरत नहीं है, डरने के लिए ज़रूरत नहीं है, डर आ सकता है, लेकिन उसका हम विश्वास के कारण उसको हम सामना करके उसको हम हटा सकते हैं। डर शैतान के एक हथियार है, जिसके कारण शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है, लेकिन विश्वास जो है परमेश्वर का हथियार है, जिसको लेकर परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करता है। इसलिए कहता है, मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास करके उसने जान लिया है हर चीज़ अपने जीवन में, जानने के बाद विश्वास करने वाले, विश्वास करके हम जान लेते हैं कैसे परमेश्वर, विश्वास करके उसके परिणाम को हम देखते हैं। तो कहते हैं दूसरा तीमुथियुस 1:8 में कहते, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ। कहते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य को देखो, उसके अनुसार जो सामर्थ्य आपको दिए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके अनुसार
सुसमाचार, सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाना, गवाही के लिए लज्जित न हो जाए। यीशु मसीह की गवाही हम दे रहे हैं, एक सच्चाई गवाही है, झूठ मूठ की कल्पना की कहानियां नहीं हैं। और उसके लिए पौलुस कहते मैं उसके लिए कैदी हो गया हूँ, मेरे साथ दुख उठाना, मेरे कारण लज्जित न होना। कभी कभी जो आदमी कैदी होते हैं उसके साथ लोग अपने परिचय कराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमको भी बुरा लगे, हमारा भी नाम खराब होगी। लेकिन वो कहते हैं सुसमाचार के लिए मैं दुख उठा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ अपना पहचान कराने में डरो मत, तुम लज्जित न होना। परमेश्वर हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है, डर की आत्मा नहीं दिया, संयम की आत्मा दिया, प्रेम का आत्मा दिया। क्या क्या परमेश्वर हमें दिया है वो सब चीज़ वहाँ पर बता रहे हैं। आज विश्वासी भाई बहन, आपके पास दिया हुआ धन संपत्ति है, स्वर्गीय बात है, स्वर्गीय धरोहर है, स्वर्गीय हेरिटेज है, स्वर्ग राज्य का डिपॉजिट है, जो नाशवान सोने से भी बढ़कर है। ऐसे विश्वास है, आगे नवी आयत में लिख रहे हैं, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलावट से बुलाया। देखिए आपके अंदर जो चीज़ है पवित्र चीज़ है, पवित्र बुलावट है, अशुद्ध चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, गलत चीज़ नहीं है। नाश कराने वाले आपको और दूसरों को नाश कराने वाले वस्तु ने उद्धार किया। इस वचनों से परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा में उद्धार किया है। और लिख रहे हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। अनुग्रह के संदेश है, कर्मों का धर्म नहीं है। इंसान का कर्मों के कारण उद्धार नहीं मिला, अनुग्रह से मिला है। ये संदेश उद्धार को लेकर आया, अनंत जीवन का लाया। आगे बता रहे पर अब हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमृता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखिए जिस सुसमाचार के लिए हम कड़े रहते हैं, उस सुसमाचार लोगों के जीवन में जीवन और अमृता को लेकर आएगा। लोग हमेशा के जीवन के लिए क्या क्या मेहनत करते हैं, इवन थोड़े ही साल इस दुनिया के जीवन के लिए भी स्वस्थ रहने के लिए कितना वो लोग कसरत कराते हैं, कितनी सारे बातों को नियंत्रण में लाते हैं। ऐसे ऐसे लोग दुनिया की सफलता के लिए कर रहे हैं, लेकिन सुसमाचार है उसके यीशु मसीह ने प्रकाशमान किया, उसने प्रकट किया। उसके प्रकट होने से, यीशु का प्रकट होने से 2000 वर्ष के पहले से जब यीशु प्रकट हुए उस समय में सुसमाचार प्रकाशमान हुआ, उसके द्वारा जीवन और अमृता हमें मिल गया है, अनंत जीवन मिला है। परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मिला है, अनुग्रह मिला है। ये सारे बातें ईश्वरीय बातें हैं, आत्मिक चीज़ें हैं, अनंत काल की बातें हैं। इसलिए हम लज्जित नहीं होना है, दुनियादारी की नाशवान वस्तु नहीं है। परमेश्वर हमें दे रहे हैं, परमेश्वर हमें उपदेश दिए हैं। तेरवा वचन में कहते हैं जो करीब बातें तूने मुझसे सुनी है उनको विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना के रख। बोलते हैं आपके पास एक खराब उपदेश, मतलब एकदम चंगाई को लाने वाले, स्वस्थ जीवन को लाने वाले, सही शिक्षा है, यीशु मसीह का शिक्षा है, प्रेरितों के उपदेश है, यीशु मसीह के 12 प्रेरित लोगों के द्वारा, पौलुस के द्वारा, पत्रियों के द्वारा बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, सच्चाई बातें हैं। ये सारे बातें हमारे लिए बहुत बड़ी खजाना है। और लिख रहे और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी ताती की रखवाली कर, पवित्र आत्मा में दिया गया है उसके द्वारा इस विश्वास को संभालेगा, हमारा पवित्र जीवन को संभालेगा। उसको हम जगह देना है, उसके लिए हम शर्मिंदा नहीं होना है। पवित्र आत्मा में बस हमारा में बसा हुआ है, और शर्म कराने वाले आत्मा नहीं है, डर देने वाला आत्मा नहीं है, हिम्मत देने वाला आत्मा है, वह हमें रखवाली करेगा। इसलिए हम हिम्मत होना चाहिए, जिसको मैं जानता हूँ, ये सच्चाई परमेश्वर को जानता हूँ, उद्धारकर्ता को जानता हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ, पवित्र आत्मा को जानता हूँ, मेरा उद्धारकर्ता है, मेरा रखवाला है,
मैं जानता हूँ जिस पर मैं विश्वास किया वो मेरा उद्धार करता है, मेरा धरोहर को रखवाले करेगा, मेरे अच्छी थाती को रखवाले करेगा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं लज्जित नहीं हो जाऊँगा। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, यह विश्वास महत्वपूर्ण है। इस विश्वास को हमने अपने बाप दादों से नहीं, शायद आप क्रिश्चियन परिवार में होंगे नहीं भी होंगे, लेकिन हमको परमेश्वर ने एक आत्मिक संतानों के द्वारा, हमारे आत्मिक पिता लोग होते हैं हमारे लिए जो प्रभु में पहले से यीशु मसीह के ज़माने से जितने भी लोग हैं सब हमारा मसीह विश्वास के लिए हमारा पूर्वजों वही कहलाते हैं, उन लोग से हमें मिला है ये पवित्र विश्वास है, निष्कपट विश्वास जिसमें दुनिया की बातें मिलावट नहीं होती है, पहले से चला आ रहा है। यीशु मसीह के प्रचार से शुरू होते हुए चले लोगों के पास, बाद में उनके दूसरे चले लोगों के पास से वैसे ही पीढ़ी से पीढ़ी तक ये सच्चाई प्रचार होते जा रहा है, आज हमारा पास पहुंचा है। यहाँ पर पांचवें आयत में तीमुथी इसको लिख रहे हैं, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थे, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। देखो विश्वास अति पवित्र निष्कपट विश्वास पवित्र विश्वास है, अनंत जीवन को लाने वाले विश्वास को लाने वाले, जिसके कारण हम लज्जित नहीं हो जाएंगे। उस विश्वास हमारा आत्मिक पूर्वजों से मिला, यहाँ पर उनके शारीरिक माता जो है यूनिके और उनकी नानी लोइस वो लोग विश्वास किए हैं। ये भी होते हैं विश्वासी जन, हमेशा याद रखिए, अगर आपके माँ बाप मसीह में थे, उनके पास से अगर आपको विश्वास मिला है, समझ लीजिए वो लोग आपके लिए कितना बड़ा धन छोड़ कर गए हैं, छोड़ कर रखे हैं, भले ज़मीन मकान खरीद के नहीं दिए भी होंगे, लेकिन वो लोग आपके लिए बहुत बड़ी धन को छोड़ कर जा रहे हैं। आपको भी समझ में आना चाहिए, आप अपने बच्चों के लिए भले धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे, अच्छे अच्छे बातें उनको सिखाएंगे, फिर भी आप ये बात को याद रखिए, जो परमेश्वर ने जो विश्वास दिए हैं, इस विश्वास अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, आगे भी चलते रहना है। जो अनमोल विश्वास है, निष्कपट विश्वास, दूसरे तीमुथी 2:2 में कह रहे हैं, और जो बातें तूने बहुत गवाहियों से मुझसे सुनी है और उन्हें विश्वास भी किया है, उसको बोलते हैं उसको विश्वासी मनुष्यों को सौंप दो जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। कहते हैं बहुत लोगों के सामने पौलुस की बातों को तीमुथियुस ने सुना है, कहते हैं तुमने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। देखिए विश्वास एक अनमोल धन है, जिसको हम पीढ़ी तक हम उसको हम ट्रांसफ़र करते हुए नहीं रहेंगे, हम भी दूसरे कोई देशों के समान हो जाएंगे। आजकल आप देखोगे कितनी यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ से सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारे देश में कितने लोग आए थे प्रचार करने के लिए, हमारे लिए बाइबल को लोग अनुवाद करके दिए हैं, कितनी सारे मेहनत वो लोग किए हैं, लेकिन इन दिनों में हम देख रहे हैं वहाँ के लोग यीशु मसीह को छोड़कर गलत बातों में फंस जा रहे हैं। इसके लिए क्या कारण है, लोगों को जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए, पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की जो पवित्र वस्तु है हमें दिया गया, हमें मिल गया है, उसको हम संभालना है और दूसरे पीढ़ी तक हमें पहुंचाना है। और इतना भी नहीं है, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी तक लगातार चलते रहना। यहाँ पर पौलुस कहते हैं विश्वासी मनुष्य को सौंप दो और उनको बोलो कि औरों को भी सिखाने के योग्य हो, ऐसे दूसरे लोगों को तीसरे लोगों को पहुंचाने वाले हो। ऐसे लिमिटेड लोग, सब लोग ये काम नहीं करते होंगे, इसलिए बोलते हैं जो विश्वासी मनुष्य है जो इस धन को अच्छी तरह संभाल कर तीसरे पीढ़ी तक भी पहुंचाने वाले हैं, ऐसा करके बता रहे हैं। आज इस विश्वास को आप संभालिए, इसमें अब लज्जित मत हो जाइए, इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना है, इस विश्वास को रखे हैं करके
कहने के लिए आपको डर नहीं होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक अनमोल चीज आप रखे हैं, लोगों को चंगाई करने वाले, लोगों को अनंत जीवन देने वाले, निष्कपट पवित्र विश्वास है। तो यीशु मसीह प्रकट हुआ उद्धारकर्ता, उसने जीवन और अमृता को सुसमाचार के द्वारा प्रकट किया। सुसमाचार जीवनदायक वचन है, आत्मिक चीज़ें हैं। इंसान को उसका कीमती मालूम नहीं। लोग सोच रहे हैं कुछ भी मार्ग ले लूँगा, स्वर्ग पहुँच जाऊँगा। ऐसा नहीं मेरे भाई बहन, सुसमाचार एकमात्र दवा, एकमात्र मार्ग है जिसके कारण इंसान स्वर्ग राज्य पहुँचा जा सकता है। इसलिए सुसमाचार की सच्चाई को विश्वास करने के लिए हम शर्मिंदा ना हो जाएं, इसके बारे में औरों को बताने के लिए हम डरे नहीं। सही बात है, सच्चाई बात है, निष्कपट विश्वास है, पवित्र विश्वास है। पुराना नियम में हम देख रहे हैं, पहले इतिहास की किताब में 24 अध्याय में 27 और 28 में दाऊद की कहानी है। दाऊद कहते हैं अपने पहले इतिहास 26 अध्याय में 27 और 28 में हम पढ़ रहे हैं, 28 में खास करके पढ़ रहे हैं, वरन जितना शमूएल दर्शी, किश के पुत्र शाऊल, नैन के पुत्र अब्नेर और सरूया के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था वे सब शालमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। यहाँ लिख रहे हैं जितने भी चीज़ें हैं पहले ज़माने की चीज़ें, शामिल से बढ़कर शामिल से आरम्भ करके कह रहे हैं, शाऊल का भी बात कर रहे हैं, अब्नेर, योआब, जितने जितने लोग हैं पहले ज़माने के पिछली पीढ़ियों में जो लोग रह चुके थे और परमेश्वर के भवन के लिए पवित्र करके कुछ चीज़ों को ज़माने में जो जो युद्ध में विजय जब होती है वो लोगों को जो युद्ध में जो मिलता है उस चीज़ों को लोग उसमें से कुछ भाग वो लोग परमेश्वर के लिए पवित्र करके छोड़ देते हैं, पवित्र करके रख देते हैं। तो कितनी पीढ़ी से वो चीज़ चलते आ रहा है, उसको एक व्यक्ति के हाथ में दिया जा रहा है। वो व्यक्ति देख रही है, देखिए आगे में सुलेमान के मंदिर के काम में उसको लगाया है। और जो भी सच्चाई हमें मिला है पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसको हम काम पर लगाना है, जिसके कारण कलीसियाओं को बनाना है, लोगों को अनंत जीवन दिलाना है, लोगों के लिए परमेश्वर की आराधना के लिए उत्साहित करना है। वही सुलेमान इसलिए कर पाया जो पहले से लोगों ने इकट्ठा करके रखा, दाऊद ने इकट्ठा करके रखा, पहले से जो भी चीज़ चले आ रहा है उन लोगों के लिए हम बहुत धन्यवादी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उनसे बढ़कर और भी सच्चाई का प्रकटीकरण में और भी हम आगे लेके चलना चाहिए। जो मिल गया उसको भी खर्चा करके, उसको फेंक करके दूसरे गलत चीज़ों के पीछे में पड़ना नहीं है। सुसमाचार के लिए हम दुख उठाने मतलब यही है, सुसमाचार को संभालने के लिए उसके लिए जो मेहनत होती है उसके लिए भले निंदा अपमान सहना पड़ेगा, परेशान को सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु कृपा देंगे, शक्ति देंगे। कितने सारे लोग बाइबल को अनुवाद करने के लिए भी दुख उठाएं, वो लोग मारे गए, कितने लोगों को शैतान ने हत्या किया। शैतान हत्यारा है, लोगों को अच्छे काम करने वालों को मारना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इतना मेहनत करने के कारण आज हमारे पास पवित्र शास्त्र मिला है, इस सच्चाई सुसमाचार की सच्चाई हमारे पास है। कभी न बोलें कि इतने सारे चीज़ हमें मिला है इसके बारे में, सुसमाचार के बारे में शर्मिंदा ना हो जाए। को विश्वास करके अनंत जीवन को हमने पाया है, दूसरे लोगों के लिए भी अनंत जीवन के लिए कारण में रहेगा। इस बातों को याद रख करके दूसरे पीढ़ी तक और तीसरे पीढ़ी तक इसको पहुंचाना चाहिए। ज़रूर इस सुसमाचार के वचन हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगा। पौलुस का उदाहरण को देखिए, जब इसने इस सच्चाई को विश्वास किया उसको इतना हिम्मत था। बोलते हैं दूसरे तीमुथी 4:18 में, प्रभु मुझे हरेक बुरे काम से छुड़ाएगा, अपने स्वर्ग राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। बोलते हैं वही हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा।
और बुरे काम से मुझे छुड़ाएगा, उसको विश्वास है। सुसमाचार पर विश्वास किया, उस विश्वास के कारण परमेश्वर उसका हमेशा छुड़ाते रहा। आखिर में हम देख रहे हैं स्वर्ग राज्य में उसको पहुंचा दिया है। आज भी मेरे भाई बहन बच्चे लोग, अंत तक विश्वास करना है, अंत तक परमेश्वर आपको बचाते रहेंगे, ज़रूर आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचाएंगे। इस अनमोल विश्वास को दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए और तीसरे पीढ़ी तक भी जाना चाहिए। कभी भी इस विश्वास को त्यागने वाले दुनिया के लिए, मोह माया के लिए, लोगों के दबाव के लिए, लोगों की झूठ मूठ की बातों के लिए हम इसको छोड़ने वाले ना रहें, उसको फेंकने वाले ना रहें। परमेश्वर हमें दिया हुआ है इस धरोहर, इस हेरिटेज, इस डिपॉजिट, ये अनमोल विश्वास जिसके कारण हम अनंत जीवन को पा रहे हैं, पाने वाले हैं, पा चुके हैं। लोगों को भी जीवन में बदलावट हो रही है। इस अच्छी बातों को हम कभी ना भूलें, कभी इसको हम तुच्छ ना गिनें। दिनों में लोग किस चीज़ों को महत्वपूर्ण जानते हैं उसी को लोग ज़्यादा समय देते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। परमेश्वर के लिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास की बातें हैं। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग, इसके बारे में आप लज्जित ना हो जाएं, डरे नहीं, विश्वासी कहने के लिए हिम्मत रखें, विश्वास में दृढ़ मजबूत बने। और दूसरी चीज़ पौलुस की इस वचन से हम सीख रहे हैं, वो कहते हैं जो मैंने उसको समर्पण किया, जो मैंने उनके हाथों में सौंप दिया, उसको आखिरी तक वो ज़रूर बचाएगा। आप अपने जीवन को समर्पण करना, विश्वास करके उस विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन को समर्पित करना है। गाना गाते हैं, मैं सब कुछ देता हूँ, आई सरेंडर ऑल, हैव दाइन ओन वे लॉर्ड, प्रभु आपके इच्छा के अनुसार मुझे चलाओ, मैं मिट्टी हूँ, अब कुमार हो, ऐसे ऐसे गाना कभी एक बार गाया ऐसा नहीं, जिंदगी भर का गाना है। परमेश्वर के लिए हम समर्पित जीवन हर दिन नए ढंग से, नई तौर से फिर से समर्पित करते रहें। कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा से भी हो जाता है, फिर दोबारा देखिए लोग थोड़ा 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 डिस्ट्रैक्ट होके प्रभु से दूर ही हो जाते हैं। इसलिए हम हर दिन अपने आप को समर्पण करना, हमारा स्वामी जो हमारा मास्टर है, एक अच्छा मास्टर है, हमें कड़ू सीधी से चलाने वाला नहीं। ऐसा मत सोचो उसको मैं समर्पण करूँगा, मुझे दुरुपयोग कर लेंगे, महसूस कर लेंगे, ज़्यादा दबाव से मुझसे काम, कठिन काम करा लेंगे, ऐसा मत सोचिए। प्रेमी परमेश्वर है। लुका में हम पढ़ रहे हैं पहला अध्याय में, आनंद के साथ हम उसकी सेवा करना जिंदगी भर, विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप जब समर्पित करते हैं अपने बातों को, अपने बच्चों को, अपनी नौकरी को, अपनी सेवकाई को, धन संपत्ति को, सब उसके हाथ में दे दीजिए। समर्पित जीवन की बात यहाँ पर हो रही है दूसरे तिमोथी 1:12 में, मैंने उसके हाथ में दे दिया, उसने मेरे को अच्छी चीज़ दिया है, सुसमाचार का वचन दिया है, मैं मेरे सब चीज़, मेरे लिए जो भी कीमती चीज़ है, मेरे प्राणात्मा शरीर, मेरे परिवार, मेरे धन संपत्ति, मेरे तन मन धन, मेरे सब कुछ मैं दे दिया प्रभु के हाथों में। वही मुझे चलाएंगे, वही मुझे अगुवाई करेंगे, वही मुझे सामर्थ्य देंगे। देखो सच्चाई विश्वास है, ज़रूर समर्पित करेगा। कुछ लोगों को हम देखते हैं, बोलेंगे हम स्पिरिचुअल है, बोलेंगे हम भी विश्वासी है, इवन बपतिस्मा लेने के लिए भी सोचते सोचते देरी करते रहेंगे, इतना भी एक कदम नहीं रख पा रहे हैं, समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। ये सही विश्वास नहीं है। सही विश्वास तुरंत अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देगा। कितने लोग प्रभु की सेवकाई में आज अच्छी रीति से परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को देखिए, वो लोग अपने जवानीपन में परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पण कर दिए हैं। और अच्छे यूथफुल डेज को, अपने जवानीपन को देना, बुढ़ापन में आकर नहीं। अभी मेरे जवानों को मेरा नम्र निवेदन है, जवानीपन को समर्पण करो। काफ़ी सारे चीज़ सीखना होगा आपको, कितने सालों से हम सीख रहे हैं, फिर भी सीखते रहते हैं हम लोग।
17 वर्ष हम यीशु मसीह को हम स्वीकार किए हैं, 36 वर्ष हम सेवकाई कर रहे हैं, फिर भी हम सीखते रहते हैं प्रभु के लिए समर्पित हर दिन करना है। हर दिन उनके अनुग्रह नया है, हर दिन नया ताकत देगा, नया प्रकटीकरण देगा, नया नया तरीके से परमेश्वर हमें सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। समर्पण करते रहो, करते रहिए मेरे भाई बहन बच्चे लोग, कितने भी दास लोग हैं आजकल देख रहे हो, प्रभु के लिए समर्पित किए हुए लोग हैं, कितने सारे प्रभु के दास लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, जवानी परमेश्वर के पीछे आ गए, अपना जाल छोड़कर, अपना नाव छोड़कर, काम धंधा छोड़कर मत्ती को देख रहे हैं, प्रेरित पतरस को देख रहे हैं, योहन्ना को देख रहे हैं, कितने सारे लोग हैं चोट चाट कर आ गए हैं, उनके साथ 3.5 साल रह चुके हैं, सीखते गए हैं, ऐसा नहीं वो लोग परफेक्ट है, परमेश्वर उनको ट्रेनिंग दी है। जब आप समर्पण करेंगे, एक मिशनरी संस्था का लीडर कहते हैं, पहले ज़माने में लोगों को कहते थे मिशनरी लोगों को सपोर्ट कीजिए, मिशनरी लोग जा रहे हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसा वो लोग कहते थे, लोग सपोर्ट देते थे। लेकिन इन दिनों में वो डायरेक्टर कहता है, इन दिनों में लोग तैयार है, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे लोग कहते हैं, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु के लिए सेवकाई को करने के लिए जवानीपन में जाने के लिए कम से कम लोग तैयार होते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग जो अनपढ़ लोग हैं वही जाते हैं, प्रभु उनको इस्तेमाल करते हैं। फिर भी हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के लिए सब लोग इस्तेमाल होना चाहिए, केवल अनपढ़ लोग नहीं है, केवल गरीब लोग नहीं है, बाइबल में हम देख रहे हैं परमेश्वर ने इस्तेमाल किया दानियल जैसे जवान लोगों को जो अमीर परिवार वाले थे वो लोग, और शाऊल जैसे लोगों को पढ़ा लिखा आदमी था अमीर परिवार से थे, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल किया। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग विश्वास कीजिए, जैसे हन्ना का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, हन्ना ने अपने बेटे को प्रभु के लिए दे दिया छोटेपन से, परमेश्वर को देने वाला चाहिए, समर्पित जीवन बिताने वाले चाहिए, बच्चों को प्रभु के लिए समर्पित करने वाले लोगों की ज़रूरी है, तभी परमेश्वर के राज्य बढ़ेगा, कलीसिया स्थापित होगा, परमेश्वर की सेवकाई में लोग आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे हम रिटायर होने के बाद आएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ रिटायर होने के बाद जो लोग आएंगे वो लोगों के पास समय नहीं रहेगा सीखने के लिए। जो भी वो लोग सीख कर आए होंगे दुनिया की सिस्टम से, काफ़ी चीज़ों को वो लोग को अनलर्न करना होगा, उसको फेंकना होगा। सेवकाई में प्रभु के राज्य में वो प्रिंसिपल्स काम में नहीं आता, वो लोगों को ट्रेनिंग लेना होगा, वचन सीखना होगा, उसके लिए नम्रता चाहिए होगा, क्योंकि वो लोग कंपनी में नहीं तो कहीं नौकरी में साफ बनकर आए होंगे। यहाँ पर एक किसी कम पड़ा हुआ आदमी के नीचे ट्रेनिंग लेने में उनकी ईगो हट होता है, इसलिए ऐसे चीज़ बहुत मुश्किल से हो पाता। रिटायर्ड लाइफ से थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई में जवानीपन से आने वाले एक महिमा में सेवकाई कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरी है जो समर्पित लोग हैं, 100% प्रभु के लिए एक पवित्र बर्तन बनकर समर्पित हो जाओ। आपका शरीर भले दुर्बल होगा लेकिन प्रभु के हाथ में जाएगा, एक दोधारी तलवार के समान पहाड़ों को गिराने वाले हथियार बन जाएगा। आपके शरीर के एक एक अंगों को पौलुस लिख रहे रोमियो को 6 में, धर्मिकता का हथियार बनकर परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर उस हथियार को लेकर शैतान के राज्य को चुकना चूर करेगा। आपके होठों को, आपके हाथों को, आपकी बातों को, आपके कार्यों को लेकर परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके शारीरिक अंगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, आपके अंगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं आत्मिक हथियार के रूप में, आपके होठों को इस्तेमाल करना चाहते हैं समर्पित जीवन के लिए, लोगों को परमेश्वर बुला रहे हैं। जवानी लोग जवानीपन में प्रभु को सौंप दीजिए, ज़रूर आपके लिए बहुत बड़ी दौड़ है, बहुत बड़ी बुलावट है, उसने पवित्र बुलावट से हमें बुलाया, पवित्र बुलावट से
ज़रूर मैं ये नहीं कहता हूँ सब लोग फुल टाइम आ जाओ, लेकिन कम से कम थोड़ा लोग तो आना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कोई भी आने नहीं चाहते हैं, सब लोग बोलते हैं हम भेजने के लिए तैयार, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार, लेकिन मिशनरी संस्थाएँ क्या करेंगी अगर लोग तैयार नहीं, सेवा करने में लोग नहीं हैं, पैसे लेकर का क्या करेंगे। समर्पित लोगों की ज़रूरी है, अच्छा खासा मेहनत करने वाले पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरी है। जो लोग इस चीज़ों को परफेक्टली कर पाएंगे, परिश्रम करने वाले होंगे, पढ़ेंगे सही ढंग से, वचन को सही ढंग से सिखाएंगे, तो मेहनत करेंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। मेरे बातों को गलत मत समझना, ज़रूर परमेश्वर किसी अनपढ़ आदमी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बाइबल में आप देख सकते हो जितना पत्री पौलुस ने लिखा उतना पत्रस नहीं लिख पाए। सबका अपना अपना सीमा होते हैं, एक लिमिटेशन होती है। परमेश्वर ही जो ज्ञान बुद्धि भी परमेश्वर ही दिए, धन दौलत भी प्रभु ही देते हैं, वो प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होना चाहिए। क्या होते हैं धन दौलत वाला अपने धन को लेकर अपना खुद के जीवन के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, प्रभु के राज्य के लिए गरीब लोग अपना थोड़ा से मेहनत से थोड़ा से पैसा को लेकर छोटे मोटे झोपड़ी में थोड़ा थोड़ा जगह पर सेवकाई कर रहे हैं। उत्तर भारत में कितने जगह में हम देख रहे हैं गरीब लोग अपने जो भी धन संपत्ति से छोटा मोटा भवन बनाकर प्रभु के लिए सेवकाई कर रहे हैं। महाराजा की सेवकाई को अच्छा जगह पर करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, सही ढंग से किया जाए अच्छे जगह पर। परमेश्वर ऐसे बलिदानों को प्रसन्न होते हैं जो लोग प्रभु के लिए देते हैं, समर्पित होते हैं। जवान लोग, अच्छा पढ़ा लिखा लोग प्रभु के काम में आना चाहिए। माँ बाप इसके लिए सोचना चाहिए, कितने माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बोलने के लिए कितने तत्पर होते हैं, घमंड होते हैं, मेरा बच्चा ये किया वो पढ़ाई किया, अमेरिका में नौकरी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, कितना खुशी से बोलने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कोई भी इस चीज़ के लिए चाहते नहीं है कि मेरे बेटा यहाँ पर दिल्ली में सेवकाई कर रहे हैं, मुंबई में सेवकाई कर रहे हैं, यहाँ पर कश्मीर में सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार को लेकर भेजे गए हैं, प्रभु का महान कार्य कर रहे हैं करके लोग उत्साहित से नहीं कह रहे हैं। शमूएल के परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हन्ना का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जब भी उसके दूसरे बच्चे हुआ नहीं, तभी भी उसने अपने एकमात्र बेटे शमूएल को प्रभु के हाथ में दे दिया। परमेश्वर विश्वास है कि उसके औरों की और कितने सारे बच्चों परमेश्वर ने उसको दे दिया, और उस बच्चे शमूएल के द्वारा कितने सारे आशीष देश के लिए मिल गया। सब के लिए हन्ना का समर्पण उसके लिए कारण बना। उस शमूएल के द्वारा देश में कितने सारे अच्छे चीज़ बन गए। दाऊद के निर्माण होने के लिए शमूएल को प्रभु ने इस्तेमाल किया, और दाऊद के संतान यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में, दुनिया के रक्षक के रूप में हम देख रहे हैं। ये सब एक समर्पण से होती है। यीशु मसीह का मम्मी को भी हम देख रहे हैं, उसने समर्पित किया, प्रभु तेरे इच्छा अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। तभी तो दाऊद के पुत्र हैं यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया है। समर्पित करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी खूबियत है, आप ये नहीं कहना मैं अमीर होने के बाद, मैं ज़्यादा ज्ञान पाने के बाद, ज़रूर पाना चाहिए, धन दौलत भी ज़रूरी है, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है, पांच रोटी हो थोड़ा बहुत भी हो, प्रभु के हाथ में रहेगा, ज़रूर फलवंद होगा, बढ़ोतरी होगी, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी आशीष के कारण होगी। अपने आप के लिए बच्चा के रखेंगे, आपके साथ वो ख़त्म हो जाएगा। ज़रूर आप मत सोचिए मेरे बेटे के लिए बहुत पैसा कमा के रखूँगा आनंदमय जीवन बिता लेगा, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। कितने सारे लोग अपने बेटे के लिए बेटा बेटियों के लिए पैसा कमा के रखते हैं, विश्वास नहीं दिलाते उनके अंदर ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय विश्वास, ईश्वरीय गुण के सिखाने के लिए, उसको उनके अंदर में डालने के लिए, उनके मनों में वो चीज़ को बोने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। जो भी पैसा कमा के रखेंगे वो लोग उड़ा लेंगे, उसको बेकार काम में लगा देंगे, प्रभु के लिए काम नहीं आएगा। आज मेरे भाई बहन आप इसके बारे में सोचिए, आपका जीवन, आपके धन दौलत, आपका नौकरी, आपकी जो गाड़ियाँ, आपके जो कुछ भी है, आपके बच्चे हैं, सब कुछ प्रभु के लिए रहेगा।
अनंत जीवन के काम में आएगा, आपके लिए रहेगा, स्वार्थीपन रहेगा, नष्ट हो जाएगा। इब्राहिम ने इसहाक को दिया प्रभु के वेदी पर, देखो सारे जाति लोगों के लिए, विश्व भर के सभी लोगों के लिए इसहाक की वंशज आशीष के कारण बन गए, यहूदी लोगों के कारण उद्धार मिला है दुनिया में, यीशु मसीह के कारण परमेश्वर ऐसे करते हैं। उद्धार मुक्ति में मिलता है ज़रूर, लेकिन एक आदमी का समर्पण के कारण उस उद्धार दूसरे के पास जाने के लिए काम में आता है। कितने सारे सेवक लोग मिशनरी बनकर आए हैं विदेशी से, यहाँ पर हम देख रहे हैं वो लोग कितने मेहनत किए हैं, कितना कष्ट उठाए, उस कहानी को हम सुनते रहते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। लेकिन अगर अपने बारे होते, अपने बेटे को देने के लिए, अपने परिवार वालों को भेजने के लिए, हम सोच में पड़ जाते हैं दूसरे करेगा करके। यही आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। आज मेरे भाई बहन विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होंगे, विश्वास करने वाले पकड़ कर नहीं रखेगा, सौंप देगा, अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में दे देना, बच्चे लोगों को दे देना, अपना फ्यूचर को दे देना, धन संपत्ति को दे देना प्रभु के काम में। प्रभु ज़रूर उसको बढ़ाएंगे, प्रभु आपको गलत रीति से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे। प्रभु को ऊपर विश्वास करके हमें करना चाहिए। और तीसरा चीज़ हम देख सकते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, पवित्र आत्मा को दिया, वचन को दिया है, उसको समर्पित हो जाइए। और आपका जो भाग है, आपको जो करना है, उसको करने के लिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप सुन लेना चाहिए। देखिए कभी भी परमेश्वर के काम केवल समर्पण से नहीं होता है। मैंने समर्पित कर दिया, प्रभु ही कर लेंगे, प्रभु मुझे लेकर इस्तेमाल करो, ऐसा कहने से नहीं। पवित्र आत्मा एक एक कदम में आपको इंस्ट्रक्शन देगा, करने के लिए शक्ति देगा, करने के लिए सिखाएगा, करने के लिए बोलेगा। कितने लोग समर्पित होते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स में मिशनरी चैलेंज जब दिया जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, बात में जब देने का बारी होता है, समय आता है, बात में करके सोच लेते हैं। एक बार एक भाई को चेन्नई में मैं मिला था, हमारे एक रिश्तेदार के घर में आए हुए थे, मेरे को बता रहे थे, भैया मुझे प्रभु सेवकाई में बुला रहे हैं, मेरे मामी भी मुझे सेवकाई के लिए अर्पण किया हुआ था, लेकिन सोच रहा हूँ कब जाएंगे, बात में करेंगे, अभी तो मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है, मेरे लिए काम बाकी है, शादी होना है, कुछ अच्छी नौकरी पाना है, बाद में देखेंगे, ऐसा करके बातें चल रहा था। तो उस समय में मुझे एक वचन में सुना था, किसी प्रचारक का शब्द मैंने सुना था, एक वाक्य, मैंने बोला अब नहीं तो कब, तुम नहीं तो कौन, ये दो शब्द दो वाक्य जिसको लेकर प्रभु मेरे जीवन में काम किया। मैंने वो भाई को बताया, अभी नहीं तो तुम कब करोगे, तुम नहीं तब कौन करेगा, तुम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए काफ़ी दूसरे की गवाही को हम सुन सकते हैं, वो लोग ऐसे किए, वो लोग ऐसे किए, लेकिन आपका बारी कब आएगा, आपका समय कब आएगा, ये मत सोचते रहे मेरा समय आएगा तभी मैं जाऊंगा। बाइबल कहते हैं आज ही समय, अभी समय है, अभी ये समय है, आशीष और कटनी का समय है, अभी ये समय है, बीज बोने का समय है, जवानीपन को खोने का नहीं, बूढ़ापन में आकर ये नहीं बोलना प्रभु मैं समर्पित होता हूँ, क्या फ़ायदा रहेगा। ज़रूर प्रभु उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन होता है, उसमें सीमित हो जाता है, इतना महिमामय नहीं रह पाता है। आज मेरे भाई बहन आपके लिए जो करना चाहिए केवल समर्पण से नहीं होता, आगे एक कदम रखना है। पौलुस कहते हैं मैं दौड़ता हूँ, जिस दौड़ के लिए, जिस अनुग्रह के सुसमाचार के लिए मैं अपने जान को भी अप्रिय जानता हूँ करके, प्रेरित 20 में हम पढ़ रहे हैं, इफिसी बड़ी लोगों को सिखा रहे हैं, मैं यीशु समाचार के प्रचार को, इस सेवकाई को आनंद के साथ मैं पूरा करना चाहता हूँ। करना भी पड़ता है, समर्पण भी होना पड़ता है, करना भी पड़ता है। उसने सुसमाचार को लेके गया, ज़रूर परमेश्वर आने वाला है, चोर के समान आएगा। कहते हैं जो भी अपने वस्त्र को चौकसी करता है, चौकसी करना है अपने वस्त्रों को, अपने उद्धार को, उसको कोना नहीं है, भविष्य को कोना नहीं है। कहते हैं जो करी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस
विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना के रख, उसको संभालो, आदर्श बना उसके आगे रख कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो। और कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है अच्छी ताती की रखवाली कर। कहते यीशु मसीह की अच्छे योद्धा की नाई मेरी साथ दुख उठा। काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लज्जित नहीं होना ऐसा बता रहे हैं, समर्पित होना वो बता रहे हैं। उसके बाद काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दूसरा तिमोथी 2:3-4 में बोल रहे हैं ऐसे ऐसे संसार के कामों में जाके अपने आप को नहीं फंसाना। आज यीशु समाचार का इतना बड़ी धन हमारा पास दिया गया, लोगों को बचाने वाला दवा हमें मिल गए, काफ़ी सारे छोटे मोटे कामों में फंसते हुए हम न रहें। हमारे लिए एक आत्मिक युद्ध है, आत्मिक सेवा है, आत्मिक लड़ाई है। लिख रहे हैं कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। दूसरे तिमोथी 2:4 अगर हमने कमिटेड कर दिए हैं, हमारा जो कप्तान है उसकी बातों को मानने वाले रहें, करने वाले रहें, अच्छी कुश्ती लड़ने वाले रहें योद्धा के समान, आत्मिक युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं, दूसरे लोग आगे जाने दो, मैं तो तमाशा देखूंगा, मैं तो उनको क्रिटिसाइज करूंगा, उनको बारे में कमेंट मारते रहूंगा, ऐसा नहीं। मेरे भाई बहन अपना बारी आने से ज़रूर आपको आगे बढ़ना है, आत्माओं को जीतना है, लोगों को प्रभु में उत्साहित करना है। कुछ तो ज़रूर काम आपके पास प्रभु देते होंगे, आपके पास्टर के द्वारा, आपके जो कलीसिया की लीडर्स लोगों के द्वारा ज़रूर आपके पास काम ज़रूर आएगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। ज़रूर आप अपने भर्ती करने वालों को खुश करना उसको, और आगे इस जो बैटन कहते हैं, जो मैराथन रेस में बैटन को पासान करते हैं, वैसे आप पासान करना अगले पीढ़ी के लिए। मैंने बताया लोइस और यूनिके के बारे में, जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक विश्वास आते गया, जैसे पौलुस कहते हैं दूसरे तिमोथी 2:2 में विश्वासी मनुष्य को सौंप देना है, वो तीसरे पीढ़ी को भी सिखाएंगे। अपने आप को संभालो, सुसमाचार का प्रचार करो, परमेश्वर आखिरी तक हमें बचाएंगे। कहते समय मिले नहीं भी मिले, कुछ लोग अच्छे समय के लिए वेट करते रहते हैं, हमको अच्छा समय मिलेगा तभी हम प्रचार करेंगे, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। जब लाइट आएगा तभी मैं ज्योति चमकाऊंगा, ज़रूरत नहीं है। जब अंधेरा है उसी समय में ज्योति को चमकाना है, यही तो समय है जब हमारे लिए प्रभु का आवाज़ हमें बुला रहा है। पवित्र बर्तन बनकर तिमोथी इसको लिख रहे हैं, कितने सारे बर्तन होते हैं सोने का, चांदी का, मिट्टी का, लेकिन तुम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन जाओ, ये पवित्र बर्तन बन जाओ, एक अच्छा सोना का बर्तन बन जाओ, एकदम परफेक्ट बन जाओ प्रभु के लिए। हम हमेशा सोच रहे हैं प्रभु के लिए जो अनपढ़ लोग हैं नालायक को भेजेंगे, अच्छा खासा लड़के लोग हमारे घर पर रख के में कमाई करेंगे, हमारे लिए नाम कमाएंगे, ऐसा मत सोचिए। प्रभु के लिए उपयोगी पात्र है, सब बर्तन चाहिए, सोना का भी, चांदी का भी, मिट्टी का भी, लेकिन सब बर्तन पवित्र होना चाहिए। केवल मिट्टी का ही नहीं, केवल सोना का ही नहीं, सब बर्तन चाहिए, पवित्र बर्तन प्रभु के काम में आना चाहिए। आज इन वचनों से प्रभु आपको उत्साहित करेंगे। पौलुस कहते हैं जिनको मैंने विश्वास किया उनको मैं जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह आखिरी तक वो मुझे बचाएंगे, स्वर्ग राज्य में सही सलामत पहुँचा देंगे। मेरे भाई बहन बच्चे लोग विश्वास करो, विश्वास करो, जान लो कि जिस परमेश्वर का विश्वास किए विश्वास योग्य है, सच्चाई परमेश्वर है, सामर्थ्य है, आखिरी तक बचाने के लिए वायदा करते हैं। उसके लिए आप दुखों को उठाने के लिए डरो मत, लज्जित न होना, सुसमाचार के लिए लज्जित नहीं होना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का बहुमूल्य वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु। हम लोग आपके लिए प्रभु जी लज्जित न हो जाएं, सुसमाचार के लिए दुख उठाने में हम लोग शर्मिंदा न हो जाएं। वो आपका सुसमाचार है जो अनंत जीवन के कारण है, अनमोल खजाना है, यीशु मसीह का लहू से हमें खरीद लिया है, उस पवित्र लहू
हमारे देशवासियों के लिए भी बहाया गया, उस समाचार के संदेश उनके लिए भी दिया गया। प्रभु जी हम इसको विश्वास करें, इसको हम इसके लिए समर्पित हो जाएं, इसको हम दूसरे के साथ पहुंचाने में हम प्रभु जी हम भी अपने हाथों को अपना मेहनतों को करने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद कीजिए। हमारा सारे आलसीपन, सारे जो अविश्वास की बातें हैं, सारे जो मनुष्य का स्वभाव है जिसके कारण इंसान बहाना बनाकर बैठे रहते हैं, ऐसे बातों को छोड़कर प्रभु आपके लिए हमारा जवान सेना तैयार हो जाए, बड़ी सेना तैयार हो जाए। प्रभु जी पूरा देश में फैलने वाला है एक पवित्र सेना, पवित्र बर्तन, सोने का, चांदी का, मिट्टी का बर्तन, पवित्र बर्तन तेरे उपयोगी पात्र बने, तेरे संदेश को प्रभु जी लेते हुए आपकी आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए, दान वरदान से भरे हुए ऐसे सारे बर्तनों को उत्तर भारत में लेने के लिए प्रभु जी भेजने के लिए प्रभु जी आप हम लोग को इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी आखिरी तक आपके लिए दौड़ने के लिए मदद कीजिए। मेरे भाई बहन बच्चों को समर्पित करता हूँ, आपके हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संग हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमेन।